ये एक व्रत लिया है गुड्डू मिश्रा ने, ताकि उसकी आगे को जो ज़िंदगी है वो समझ जाए। और इस छठ पूजा के लिए उसने अष्टांग आसन करने का निर्णय लिया है। तो वाकई बहुत कठिन है, हमें तो लगा बड़ा आसान होगा। हम करीबन बस 10-15 मिनट ले किए, तो हम लोग को लगा कि मुझे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल है। जो ये व्रत रखते हैं और जो ये सब करते हैं उनको सर आँखों से सलाम। इस छोटी सी जो कठिनाई से हम गुजरे हैं, हम समझ पाए कि जो लोग ये जो व्रत रखते हैं कितना कठिन होता है। सीक्वेंस ये है कि हम लोग ड्रामा पहली बार 20 साल में गुड्डू मिश्रा रंजू मिश्रा को एक्सेप्ट करते हैं एज वाइफ। रंजू मिश्रा ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि इतना कुछ उसके साथ बीत चुका है कि वो हर चीज़ भी मतलब बार बार सोचती है कि पता नहीं ये वापस ललिता के पास चले गए तो क्या होगा। मतलब 20 साल में बहुत कुछ हो चुका होता है। रंजू ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि उसे ज़िंदगी भर अकेले ही रहना है। अब सडनली ये अपना प्यार जताते हैं, इनको रिग्रेट होता है इन्होंने अपनी वाइफ के साथ जो कुछ भी किया। तो ये जो मेरा नज़रिया है वो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रही है, पहली बार लाइफ में मुझे एक वाइफ का दर्जा दे रहे हैं, वो मुझे देख के अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे फियर भी है कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये टेम्प्रेरी है। एंड उनकी ओर से इतना ज़्यादा है कि वो इतना गिल्ट में है कि 20 साल तक मैंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं किया, हर चीज़ मैंने ललिता के ऊपर निछावर करी। तो ये छठ पूजा में वो संकल्प लेते हैं कि वो दंडवत प्रणाम करते करते घाट तक आएंगे, जो कि बहुत बड़ा संकल्प है। तो वो मैं भी हैरान हूँ, अम्मा जी हमारी बहुत खुश हैं कि फाइनली उनका बेटे बहू की कुछ कहानी आगे बढ़ेगी मैरिड लाइफ में। तो इस तरह का सीक्वेंस है, लेकिन वहाँ पे ललिता ये सब देख रही है और उससे ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि उनके पति गुड्डू मिश्रा अब उनका पहली वाइफ से कैसे लगाव बढ़ने लगे। तो वो कुछ ना कुछ करेगी। ये ऐसा मोमेंट आ गया है जहाँ पे बेटियाँ और जो गुड्डू जी हैं, जो उनके पापा हैं, उनकी रिलेशनशिप की डेवलपमेंट बहुत चल रही है। तो इस पूरे सीक्वेंस में गुड्डू जी ने इतना बड़ा प्रण लिया, यू नो वो दंडवत बोलते हैं शायद उसे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटियों के लिए, बिकॉज ये पहली बार देख रही हैं रंजू की बेटियाँ उनके पापा को इस तरह से प्रायश्चित करते हुए। सो बुलबुल के मैं बोल रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। बुलबुल के लिए, मुस्कान के लिए, टिया के लिए इस वक्त ये सिचुएशन ऐसी है कि पापा हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या वो पापा को अपनी ज़िंदगी में एज पापा एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। आई थिंक अब तक जो जो लोग रंजू की बेटियाँ देख रहे हैं वो ये तो जान ही गए होंगे कि चाहे कितना भी हैप्पी मोमेंट क्यों ना हो, ललिता जो कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करती है, कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर क्रिएट हो जाता है रंजू की बेटियों की ज़िंदगी में। तो ऑफकोर्स छठ पूजा है, हम लोग बहुत ग्रैंड तरीके से मना रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है स्पेशली वुमेन के लिए, उसके बीच में ड्रामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। खूब ड्रामा होने वाला, हाई लेवल का ड्रामा होने वाला है।